ओके लास्ट काम करते हैं हम। सर चैप्टर आपने समझा दिया था, पूरा हो गया ना। ओके तो शब्दार्थ लिखिए बुक में, लिख देना शब्दार्थ। ओके ओके सर वो स्वागत के पास चला जाओ सर। नहीं नहीं सर मैं चला जाऊं सर, बुक नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, बुक की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है शब्दार्थ लिख। नहीं नहीं अभी लिखने की जरूरत नहीं, घर जाके लिख लेना। ओके नाउ स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर वन लिखने वाले शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? कोई बता सकता है? हेलो राइटी, राइट ऑन योर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? ओके आंसर लिखो क्वेश्चन। सर इधर बैठ जा। नहीं 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 सिर्फ आंसर लिख लिया भाई। सर पर फिर पता नहीं चलेगा। बुक है ना घर पे? बुक घर पे है ना? नहीं है, नहीं है ना? तो भी ऑनलाइन से डाउनलोड कर देना, टेक्स्ट बुक डाउनलोड होता है। नहीं हो जाएगा। ओके चलो राइट योर आंसर। प्रधानमंत्री के रूप में लिख लो, लिखा बोर्ड पे। प्रधानमंत्री के रूप में कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर लगा तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक समृद्ध कैसे लिखेंगे? एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर, विरासत में छोटी ही राजनीतिक विरासत छोड़कर प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उन सेकेंड लाइन, उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की, देश की आकांक्षा पूरी की। नेक्स्ट लाइन, देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था।
सर नी में कौन सा आएगा? नी में छोटी मतलब लेफ्ट वाला छोटी ई छोटी पहले आता नहीं चरित्र निर्मल था उनमें अद्भुत उनमें अद्भुत अद्भुत हाँ उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी संकल्प शक्ति उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी डेडिकेशन डेडिकेशन पावर पावर ऑफ डेडिकेशन उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी नेक्स्ट लाइन राष्ट्र को लाभ पहुंचाना राष्ट्र को लाभ पहुंचाना राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का हर कर्म का कर्म हर कर्म उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था एकमात्र उद्देश्य रहता था हाँ एकमात्र उद्देश्य रहता था उनके इन्हीं गुणों नेक्स्ट लाइन उनके इन्हीं गुणों के बल उनके इन्हीं गुणों के बल उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को नेहरू जी की विरासत को विरासत को संभालने नेहरू जी बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने संभालने और उसे आगे बढ़ाने और उसे आगे बढ़ाने का और उसे आगे बढ़ाने का कठिन कार्य पूरा कर सके कठिन कठिन कैसा लिखता कठिन कार्य पूरा कर सके हाँ पूरा कर सके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा कैन एनीवन टेल एनीवन नो आंसर थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जानकारी ओके सेकंड क्वेश्चन का आंसर लाल बहादुर शास्त्री का जन्म क्या हुआ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म ये एक मिनट बेटा इधर आ यहाँ आगे बैठ नहीं इधर है इधर आ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था
साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई थी। साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई थी। नेक्स्ट लाइन प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। नेक्स्ट लाइन विनम्रता सरलता विनम्रता के बाद कॉमा सरलता कॉमा सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। नेक्स्ट लाइन ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे। जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। नेक्स्ट लाइन गांधी जी की तरह गांधी जी की तरह उन्होंने अछूत द्वार कार्यक्रम भी चलाया।
कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर अचूतद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। वही जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा।